हेलो, आज आज की क्लास में मैं आपको डिफरेंशिएशन का एक टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये अब बाद में हम डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी इसका यूज होगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है? आप पढ़ चुके हैं सब, वाई इक्वल टू अगर एफ एक्स है, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम करते हैं तो वाई का डेरिवेटिव लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसका हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, और आपको ये भी बताया था कि इसको हम वाई वन भी लिख सकते हैं, या कई सारी जगह वाई के ऊपर डैश लगा होता है, एक ही बात है। अब आप देखिए, अगर हम इसका दोबारा डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू दिस, तो ये सिंबल हो गए हमारे सेकंड डेरिवेटिव के। वाई टू भी लिख देते हैं, वाई के ऊपर डबल डैश है। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आंसर आया है उसका दोबारा डेरिवेटिव, और जो इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग होते हैं वो अलग चैप्टर में होते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। फिलहाल हम बस यही करते हैं, और आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स पता ही हैं, सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, एंड प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, वो सब आपको बताया जा चुका है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मान लिया क्वेश्चन आ गया वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव सबको याद है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसके लिए सिंबल ऐसा लिखना होगा। सेकेंड ऑर्डर में आपके डेरिवेटिव की और अच्छे से प्रैक्टिस होगी। अब आप बताइए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? दो मेथड है कि या तो हम क्वेश्चन टू अप्लाई करें, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट का मतलब ये पावर हाफ होगा, तो अब हम इसको चेन रूल लगा लेते हैं। ये आगे आ गया हाफ, तो ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर वन का जीरो और एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर थ्री बाय। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव में मतलब कुछ खास बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि जो हमारा आंसर आया उसका एक बार और हमें डेरिवेटिव करना होता है। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एग्जांपल देखिए। इसमें साथ साथ आपका चेन रूल भी रिवाइज होगा, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आप बताइए, खुद ही बताइए इसका डेरिवेटिव क्या होगा। लोग, ये इसका एंगल है एक्स, तो लोग एक्स का होता है वन अपॉन एक्स, ये इस लोग का हो गया। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका करेंगे तो वन अपॉन एक्स, तो ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन एक्स लोग एक्स। अब आपको इसका सेकेंड डेरिवेटिव कैसे करना है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही दो बातें हैं इसमें, क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं और चेन रूल भी। मैं दोनों ही बता रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर हम इसको क्वेश्चन रूल से करते हैं तो डेनोमेटर का स्क्वायर, फिर हम डेनोमेटर को छोड़ देते हैं ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देते हैं डेरिवेटिव ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है,
तो नीचे आ गया x log x का होल स्क्वायर। अब वन का डेरिवेटिव जीरो हो गया, माइनस इसमें प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो x को छोड़ दिया log x का वन अपॉन x, log x को छोड़ दिया x का वन, तो कुल मिलाकर आंसर हमारा आ गया माइनस वन प्लस लोग एक्स अपॉन एक्स लोग एक्स का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी कर सकते थे, किसको हम लिख लेते हैं एक्स लोग एक्स रेस टू द पावर माइनस वन। अब माइनस वन आगे आ गया, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से एक्स को छोड़ दिया वन अपॉन एक्स प्लस, तो ये आपको थोड़ा छोटा लग रहा होगा, आसान भी है, तो माइनस वन प्लस लोग एक्स अपॉन एक्स लोग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो मेन क्वेश्चन हैं वो इस तरह से आते हैं, y इक्वल टू फाइव कोस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, ये ऐसा क्वेश्चन गिवन है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो प्रूव करो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये हमें प्रूव करना है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत वैरायटी है इन क्वेश्चन में, दो तरीके होते हैं करने के भाई। सबसे पहली बात तो सेकेंड डेरिवेटिव लिख रहा है तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो गया माइनस फाइव साइन एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स, और इसका दोबारा कर देते हैं, तो दोबारा करेंगे तो साइन का हो गया कोस एक्स और कोस का हो गया माइनस साइन। अब यहां पे हमें दो बातें देखनी है कि हमें ये प्रूव करना है, तो इसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं सेकंड डेरिवेटिव की जगह ये और वाई की जगह ये, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो एक मेथड तो ये होता है कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे आती है वो हमें वहां पे रख के जीरो आंसर ला देना, या जो भी कुछ इधर है ठीक है, और एक मेथड ये होता है कि इसी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसी से आंसर आ जाता है, तो माइनस इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो आपको नजर आ रहा है कि ये ऊपर रिपीट हो गया ठीक है, तो इसकी जगह हम वाई लिख देते हैं और अब इसको इधर ले जाते हैं तो ये प्रूव हो गया ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इन वाले क्वेश्चन के दो मेथड हैं कि या तो इसको सॉल्व करते करते वही आ जाएगा जो हमें चाहिए, या फिर अगर नहीं आ रहा होगा तो हमें ये वाली वैल्यूज उठा के वहां पे रखनी पड़ेगी ठीक है। तो वैल्यूज रखने वाला क्वेश्चन आपको तभी करना है जब बिल्कुल मजबूरी हो कि इस तरह से आ ही नहीं पा रहा है, नहीं तो इस तरीके से करना चाहिए क्योंकि इससे इजीली हो जाता है क्वेश्चन। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूं, देखिए y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है और प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो ये हमें प्रूव करना है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना जरा, और ये मेथड समझना बहुत जरूरी है, सेम टॉपिक जो है हम आगे भी एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव
टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, पहले पावर आगे आएगी टू टेन इनवर्स एक्स। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल टेन इनवर्स एक्स का हमें करना होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक बात समझिए आप कि अगर हम इसी को डेरिवेटिव करते हैं दोबारा तो हमें कोसाइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके बाद हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक बात मैं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर ये सिचुएशन आ जाएगी डेनोमिनेटर में कुछ होगा, तो भी 99% क्वेश्चन में हम इस वाले टर्म को पहले इधर ले आते हैं, इसको पहले इधर ले आते हैं, इसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। और आपको यहां से भी हिंट मिलता है कि आपको डी वाई बाई डी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो आप डेरिवेटिव करते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे छोड़ दिया, इसका होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे छोड़ देंगे तो इसका डेरिवेटिव हो गया वन का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स इक्वल टू टू टेन इनवर्स एक्स का, ये डेरिवेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव हो गया। अब जरा ध्यान से देखें कि ये इसमें उसमें क्या रिलेशन है, अगर हम इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमें चाहिए, तो इसलिए वन प्लस एक्स स्क्वायर को इधर इंटू कर देते हैं ये प्रूव हो, ठीक है। तो ये अच्छे से आपको समझ लेना है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, किसी भी रेफरेंस बुक में आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको ट्राई करना है। एक थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम बता देता हूं मैं, फिर ये टॉपिक खत्म करते हैं। क्वेश्चन और देखते हैं, वाई इक्वल टू ई रेस टू द पावर और प्रूव करना है वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ध्यान से देखना है कि कैसे ही हमें ये वाला एक्सप्रेशन लेके आना है। तो पहले हमने डेरिवेटिव किया, ई का ई होता है ए कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा ए अपॉन कोस इनवर्स का माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब डेनोमिनेटर में कोई टर्म आती है इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको इधर ले जाते हैं माइनस ए। और एक बात हो रहा है, ये देखिए आपके ऊपर से रिपीट हो गया, तो इसकी जगह हम वाई लिख देते हैं, और जाओ तो यहां पर लिख भी सकते हो कि अपने कहां से लिखा है यूजिंग वन, इसको वन का। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, इसको ऐसे छोड़ दिया, इसका हो गया sec d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब फॉर्मूला प्लस होता है लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वन अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे करते थे, वन अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस और फिर अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स, तो ये हो गया माइनस टू एक्स, टू से तो कैंसिल हो गया और डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे छोड़ दिया माइनस ए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अभी आपको ये बात नजर आ रही है कि इसको हम इसके अंदर पुट करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये ट्राई करना चाहिए कि इसी को सॉल्व करते करते वो आ जाए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर भी और इधर भी,
तो जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आगे 1 माइनस x स्क्वायर इधर भी कर देंगे, तो ठीक है। अब आप यहां पे जरा ध्यान से देखिए कि जो हमें प्रूव करना था उसका ज्यादातर पार्ट हमारा आ चुका है, बस ए स्क्वायर वाई चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको ऊपर देखना है कि कोई वैल्यू रिपीट हो रही है क्या। यहां पे देखिए आप इसको, अगर मैं इसको सेकंड इक्वेशन डाल दूं सेकेंड इक्वेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी है माइनस ए वाई, तो इसकी जगह हम क्या रख देते हैं माइनस, इसकी जगह माइनस ए वाई, तो यहां पे लिख देते हैं यूजिंग सेकेंड, इसकी जगह माइनस ए वाई लिख दीजिए। माइनस ए वाई लिखेंगे तो ये जाएगा ए स्क्वायर वाई, और फिर इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्रूव हो गया, ठीक। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन इसका प्रूव कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन है y इक्वल टू ये, और प्रूव करना है देखो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो कर लिया है मैं हर बार की तरह, e का होता है e, तो a e की पावर mx, mx का m चेन रूल ऐसे ही हो गया इधर। अब दोबारा करेंगे a फिर mx का m, तो m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको एक बात नजर आ रही है कि अगर हम इसके अंदर कुछ भी करते हैं, इसको हम कुछ भी सॉल्व करते हैं, तो ये लाना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल ही है कि हम कैसे इसको, कोई वैल्यू रिपीट तो होने नहीं, ऊपर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन पर हमारे पास मजबूरी है कि हम वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर देते हैं, और पुट करने के बाद मल्टीप्लाई वगैरह करके सब कुछ कर कर आके अंतर जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। पुट वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन में पुट कर देते हैं एल एच एफ में, तो डी स्क्वायर वाई इसकी जगह ये पुट कर देंगे, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये, और वाई की जगह ये, ठीक है। ये सारे ब्रैकेट्स आप खोलोगे सब कुछ करते रहते जीरो आ जाएगा, ये आप अपना करना, तो ये तो ये हो गया डेरिवेटिव का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और आगे कुछ कराएंगे आपको डेरिवेटिव का, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी रेफरेंस बुक में इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वो सॉल्व करना, और हाँ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आगे के लिए आपको अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।